अगेन। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं, बहुत दिनों से मतलब बहुत से लोग मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि सर LNIP का फॉर्म आ चुका है। देखिए एक्चुअली ये जो आपको लिंक शेयर हो रहा है हर जगह, ये डेमो है, ठीक है। ये डेमो के लिए शेयर कर रहे हैं इसे, और ओरिजिनल जो लिंक है वो सेम वेबसाइट पे शेयर होगा और मैं उसको आपको शेयर कर दूंगा और LNIP की साइट पे भी ये चीज़ शेयर होगी। टेंशन मत लीजिए, अभी 31 जुलाई बहुत दूर है, अभी तो जून ही ख़त्म नहीं हुआ है और 31 जुलाई को पूरा एक महीना है। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और अपने एग्ज़ाम्स में दोस्तों फोकस करके रखिए और पढ़ाई पे इतना ध्यान दीजिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम खाली BPED या MPED के लिए काम नहीं आने वाले आपको। वो बहुत ज़्यादा आगे जगह काम आएंगे। और अब आप जो तैयारी कर रहे होंगे, ये जो महीना होगा इसकी तैयारी अगर जम के करेंगे ना, ये दोबारा दिन नहीं आएंगे आपके पास। बाकी ये जो 2-3 महीने से आप लगे हुए हैं, ये दिन दोबारा आपके पास आएंगे नहीं इतना फुर्सत से। और एक फोकस, जब आपके पास कोई एम होता है ना, उस एम से आप अच्छे से तैयारी करते हैं। उस एम को क्लियर करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और उस एम के बहाने आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाती है। ये मौका दोबारा नहीं आने वाला है और आपके पास इतनी तगड़ी पढ़ाई करने का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मैं फॉर्म फिल करने का आपको एक तरीका बता देता हूँ। ये फॉर्म सेम है, एज इट इज़ आपके पास फॉर्म आएगा बिल्कुल जिस दिन फॉर्म निकलेगा। यहाँ पर जो BPED जिनको करनी है BPED, वो यहाँ पर BPED में क्लिक करेंगे और उस पर भरेंगे, ठीक है। जिनको MPED करनी है वो पहले ऊपर क्लिक करेंगे MPED पे और यहाँ पर टिक करके फिर उसको फिल करना चालू करेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम आएगा, सभी को पता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका हिंदी में आएगा, ये गूगल से ट्रांसलेट कर लेना। फिर यहाँ पर फादर नेम आएगा, मदर नेम आएगा, और ये जो भी आपका नाम है ये आपके सर्टिफिकेट में जो है वो सब होने चाहिए। अब यहाँ पर गार्जियन कोई है, इफ़ फादर इज़ नॉट अलाइव तो यहाँ पर वो नाम आएगा। फिर ऑक्यूपेशन आएगा आपका फादर का, देन आपकी इनकम आएगी फादर की, फिर आप जो जेंडर के हैं मेल हैं या फीमेल हैं, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आप भरेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना मैरिज स्टेटस देंगे, मतलब कि आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, ठीक है, या फिर जो भी डिवोर्स वगैरह है कोई भी। उसके बाद में आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल से हैं, SC से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं या फिर OBC से हैं। उसके बाद अगर आप LNIP के मतलब वार्ड स्टाफ के हैं तो स्टाफ कोटा अगर आपके पास है तो यस करेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन लिखेंगे यहाँ पर। माध्यम कौन से मीडियम से आप देना चाहते हैं एग्ज़ाम, इंग्लिश और हिंदी। देखिए ये एग्ज़ाम आपको एडमिशन के लिए ही है खाली, आप जब अंदर जाके चूज़ करते हैं सब्जेक्ट तो अपने हिसाब से कोई भी हिंदी या इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद में प्रूफ क्या देना चाहते हैं आप, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट, कुछ भी जो भी है प्रूफ मेंशन कर सकते हैं उसमें। फिर नेक्स्ट आपका जो भी रोल नंबर है आपका ID कार्ड में या फिर जो मेंशन किया कार्ड में, जैसे ये जो आप प्रूफ देंगे उसका यहाँ पर आपको ID कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका अगर आप इमिग्रेंट है मतलब माइग्रेंट है कहाँ से, जम्मू कश्मीर से, तो आपको यस या नो में लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं अगर आप कश्मीर से हैं तो उसके लिए। नेक्स्ट आपका क्वालिफिकेशन में आप ये यहाँ पर सारे भरेंगे, ठीक है, जितने भी आपके अगर BPED से कर रहे थे ये यहाँ पर BSc इन फिजिकल एजुकेशन में जितने आपके नंबर थे, या फिर BPED में अगर MPED कर रहे हैं तो। बाकी जो लोग BPED कर रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। और मार्क्स की चिंता मत करिए, 15 जुलाई को आपका आ रहा है, जितने भी बोर्ड हैं सबके रिजल्ट 15 जुलाई तक आ जाएंगे, तो तब तक आराम से वेट करिए और आराम से भरना इस फॉर्म को, ठीक है। बाकी जो भी आपका स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो नेशनल इंटरनेशनल सब आ जाएगा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे ये अटैच ओनली 1 हाईएस्ट अचीवमेंट जो भी आपकी है, आप अगर नेशनल खेले हो तो, चाहे आप 4 बार नेशनल खेले हो, जो उसमें से हाईएस्ट है मतलब जिसमें फर्स्ट पोजीशन है या सेकंड पोजीशन है या थर्ड पोजीशन, जो आपके पास हाईएस्ट है उस पे यहाँ पर उसको आपको टेस्ट करके, ठीक है। और ये एनेक्शर जब आप 7th देखेंगे प्रोस्पेक्टस में, एनेक्शर 7th, जिसको प्रोस्पेक्टस नहीं मिला है मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और टेलीग्राम चैनल पर आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हैं मोनू मधुकर, वहाँ पर
डल रखा है प्रोस्पेक्टर, और अगर आपको फिर भी नहीं मिल रहा है तो आप LNIP सर्च करिए। LNIP सर्च करके जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर एडमिशन इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एडमिशन इन्फॉर्मेशन में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको नीचे डाउनलोड प्रोस्पेक्टस का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजीली। सो ये ठीक है, ऐसे डाउनलोड करना है आपको। उसके बाद में अगर आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए, डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं तो उसके लिए आप ये रेफ़र करें, जितने भी ये पेज नंबर दे रखे प्रोस्पेक्टस में इनको पढ़ें अच्छे से, ठीक है, डायरेक्ट एडमिशन के लिए। उसके बाद में आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो, और परमानेंट एड्रेस है वो, अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर देंगे तो वो सेम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये सारे आप भर देंगे, ईजीली भर जाएगा ये। उसके बाद में यहाँ प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, आपको आएगी यहाँ पर अपलोड इमेज में जब आप क्लिक करेंगे। सो जैसे ही आपने अपलोड इमेज में क्लिक किया तो आपने कोई भी अपलोड मतलब इमेज क्लिक करी, उसके बाद में जैसे सेलेक्ट कर दी उसको, फिर चूज़ करना पड़ता है उसको, और उसका साइज दोस्तों मैटर करता है, क्योंकि इसमें साइज में ही दिक्कत आती है और साइज के उस पर ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है आपको। बाकी फिर जैसे ही आप इसको खोलेंगे ना लिंक को, सो उसके बाद में ये सारे होने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा, मतलब ये पहला खुलेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा सबमिट डिटेल्स। जैसे ही आप साइन और आपके फ़ोटो ये जैसे जैसे उसमें मांग रखे हो, आप फ़ोन से भी भर सकते हो, क्योंकि मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ अभी, आप तो आप देख रहे होंगे फ़ोन पे ही, ठीक है। और अगर हम बैक करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लिंक हैं, क्योंकि अगर आप और भी LNIP के, ये देखिए अप्लाई नो ऑनलाइन, ये सभी आपके लिए हैं। उसके बाद में पे नाउ फॉर अनपेड, अब आपको जब आपने सबमिट कर दिया तो पे नाउ फॉर अनपेड आप अनपेड रख सकते हैं, ठीक है, पे बाद में भी कर सकते हैं आप लास्ट डेट से पहले। उसके बाद में इसको यहाँ से पे कर सकते हैं आप, अगर पेमेंट में आपको दिक्कत आ रही है थोड़ी सी भी कोई भी, तो आप UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं। UPI पे क्लिक करके आपका फ़ोन पे है, गूगल पे है, उस पर आप नंबर डालिए, जैसे कोई भी नंबर है आपका, ठीक है, तो उस पर डाल के @YBL, तो YBL डालेंगे तो आपका लिंक खुलेगा, वो डायरेक्ट आपका गूगल पे या फ़ोन पे में, तो वहाँ से आप पेमेंट कर देना। नेक्स्ट इज़ ये योगा और PG डिप्लोमा के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, बाकी ये सारे लिंक हैं आप देख सकते हैं, PGDSJ, ये आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म वगैरह और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सभी का यहाँ से कर सकते। सो नेक्स्ट यहाँ पर एडिट एप्लीकेशन का भी नंबर मिलता है आपको, फिर यहाँ पर आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, जितने भी आपका रिजल्ट जो आएगा MPED कैंडिडेट का वो यहाँ पर, बाकी सभी आपका यहीं आता है। फिर फर्स्ट काउंसलिंग होगी आपकी, जैसे रिजल्ट आ गया फिर आपकी काउंसलिंग होगी, और काउंसलिंग में आप फिल करते हैं आपके चॉइस सेंटर्स, जैसे MPED की काउंसलिंग में आप फिल करेंगे कि आपके चॉइस कौन कौन से हैं, जो भी आपके, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स है, उसके बाद में और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं, पेडागोगी है, सभी आप अपनी प्रेफर के हिसाब से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ चूज़ करते हैं। उसके बाद में सेंटर चूज़ करते हैं, गुवाहाटी लेना है या फिर ग्वालियर लेना है, दोनों के भरने के बाद में फिर ये आपका अगर फर्स्ट फेज़ में नहीं होता है तो सेकंड फेज़ की काउंसलिंग भी होती है, जो डेट दे रखी होती है, ऐसे ही BPED की होती है, और अपग्रेड भी होता है, आप अगर अपग्रेड करना चाहो तो ये भी होता है। नेक्स्ट आपके यहाँ पर बहुत सारे लिंक दे रखे हैं, ठीक है, एडमिट कार्ड वगैरह सब यहीं से आपको मिलेंगे, तो ये लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आपके साथ, ठीक है, मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगा आपको और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चिंता मत करिए। और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए पे नाउ फॉर अनपेड, तो यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक करा तो आपके सामने क्या खुलेगा कि आपका जो आईडी और आपका पासवर्ड मांगेगा, तो आपका पासवर्ड वो सेट करके देंगे कि क्या पासवर्ड है, और आईडी आप सेट कर लेना, ठीक है, आईडी मतलब सेट क्या कर लेना, वो आपको जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, बाकी मैसेज ईमेल पे भी आएगा, आपका नंबर पे भी आ जाएगा। सो डोंट टेक टेंशन, और टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, बाकी तैयारी करते रहिए, फॉर्म्स की चिंता मत करिए। फिजिकल एजुकेशन में अगर आप LNIP नहीं ज्वाइन कर पा रहे तो बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट हैं, ज्वाइन करिए और अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। बस आपको कुछ भी करके नॉलेज गेन करनी है, नॉलेज अगर आपके पास है तो स्कूल आपको भाग के लेंगे और नौकरी आपको भाग के मिल जाएगी, ठीक है, तो नौकरी के पीछे मत भागो, वो 3 इडियट्स वाली बात है, वो बिल्कुल हकीकत है। अपने
टैलेंट के पीछे भागो, और टैलेंट के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो हार्डवर्क करो अच्छे से, और स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स, और जैसे ही नए फॉर्म आएंगे तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे मोटिवेटेड एंड ऑल्सो स्टे हेल्दी। सी यू इन अनदर वीडियो।